सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनवाए 4.5 साल में किए गए काम। अखिलेश ने कहा इसे झूठ का फूल, तो वहीं प्रियंका गांधी ने बताया कि फेल रही सरकार। तो आइए जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो भी काम गिनवाए हैं वो सिर्फ बताई हैं या फिर किया भी है। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं साहिल व्यास, राम राम। 3D मीडिया में तो हर स्वागत बा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। उन्होंने इस रिपोर्ट कार्ड में बताया है कि उनकी सरकार ने पिछले 4.5 सालों में क्या क्या काम किए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा है। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में क्या क्या किए गए काम बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या काम किए हैं। योगी सरकार का दावा है कि 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया गया है। वहीं गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ का भुगतान किया गया है। 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद की गई है और किसानों को 79,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2.53 करोड़ से ज्यादा किसानों को 37,388 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2,376 करोड़ रुपयों की क्षतिपूर्ति की गई है। दावा यह भी है कि बीते 4.5 सालों में किसानों को 4.72 लाख करोड़ रुपयों का कर्ज दिया गया है। इसके अलावा MSP दोगुनी करने का दावा योगी सरकार ने किया है। अब जानते हैं कि सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया। दावा है कि लड़कियों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है। 1.67 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिए गए। वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1.52 लाख से ज्यादा लड़कियों की शादी कराई गई। मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम के हज पर जाने की सुविधा देने का दावा भी है। इसके अलावा प्रदेश के सभी 1535 थानों में पहली बार महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हुई है। 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई, 81 मजिस्ट्रेट और 81 अपर सेशन कोर्ट बनाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 1.80 करोड़ बच्चियों को लाभ मिला। दावा किया गया है कि 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया गया। सरकार ने दावा किया है कि 56 जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज चल रहा है। वहीं 16 जिलों में PPP मॉडल के जरिए मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रोसेस शुरू हो गई है। PM जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत में 6.47 करोड़ लोगों को, तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 42.19 लाख लोगों का बीमा कवर किया गया है। अब सबसे जरूरी बात कि अपराध को रोकने के लिए क्या किया गया है। सरकार ने दावा किया है कि माफियाओं की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला दिया गया है और उनकी 1,866 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। इसके अलावा 150 अपराधी एनकाउंटर पर मारे गए, 3,487 अपराधी घायल हुए हैं, 11,864 इनामी आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है और इसके अलावा 76,000 नॉन गैजेटेड पुलिस कर्मियों का प्रमोशन किया गया है। इस पर प्रियंका गांधी बोली, झूठ सिर्फ झूठ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रिपोर्ट कार्ड पर तंज कसते हुए कहा कि झूठ बताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए था कि 4.5 साल पर जनता के सवालों का जवाब दे, लेकिन नहीं, फिर झूठ, झूठ और सिर्फ झूठ। मायावती बोली, इनके दावे जमीनी हकीकत से दूर है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट कर सरकार के दावों को जमीनी हकीकत से दूर बताया। अखिलेश ने इसे बताया झूठ का फूल। योगी सरकार के इस रिपोर्ट कार्ड पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए इसे झूठा बताया है। अखिलेश ने अपने ट्वीट के साथ हैशटैग झूठ का फूल का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। सच आखिर बोल कौन रहा है, योगी आदित्यनाथ या अपोजिशन पार्टी के नेता? मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। मैं हूं साहिल व्यास, राम राम।